जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, और देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। एक्वेरियस पीपल, हार्ट ब्रोकन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस हफ्ते आप लोगों के लिए, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट फॉर समबडी, या मे बी इट्स अबाउट कि यू नो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक है, आप कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दे आर हाइडिंग समथिंग, दे आर होल्डिंग इमोशंस, मे बी दे हैव ऑप्शंस, उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है। और मोर ओवर मुझे लगता है येस देर आर सीक्रेट्स भी हैं, और या मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में यू नो कुछ मेहनत कर रहे हैं और स्टिल कहीं ना कहीं यस को डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है मुझे। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन लाइक यू नो कोई को डिपेंडेंट हो रहा है एक दूसरे पे, और या आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हैं। ये पर्सन दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कोई वेट कर रहा है चेंज का, सो यू हैव टू कीप पेशेंस। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आने वाले टाइम में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी इन दिस रिलेशनशिप। मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन और शैटर्ड दिखाई दे रहे हैं, और यस थर्ड पार्टी भी है। इस हफ्ते हो सकता है कि ये जो पर्सन, मुझे इनकी एनर्जी यही दिखाई दे रही है, दे आर हाइडिंग, और मे बी वो अपने जोन में है, ठीक है। दे आर लाइक यू नो अपने ही जोन में कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, लाइक दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे। तो इस हफ्ते मुझे यही दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि या लाइक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। मे बी येस यू आर द बॉस, और या मे बी आप यू नो यू हैव ट्रेड्स, आप डिटरमाइंड हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं आप, कभी इधर कभी उधर, या मे बी बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे संभाल रहे हैं। स्टिल कहीं ना कहीं मनी को लेके मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टक फील कर रहे हैं, और या मे बी देयर इज स्ट्रगल गोइंग ऑन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आप काम में मे बी हो सकता है देयर इज़ सम कॉम्पिटिशन, या मे बी हो सकता है आपकी यू नो जो लाइक पर्सनल इश्यूज़ हैं उनकी वजह से आपका काम सफ़र कर रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल बॉस या यू नो वाइस वर्सा कोई हो जिनके साथ आप यू नो लाइक आपका जो कनेक्शन है लाइक स्ट्रगलिंग, मुझे इस हफ्ते ये दिखाई दे रहा है। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और यू आर डिटरमाइंड टू अचीव। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल? ओके, फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, न्यू एनर्जी, ठीक है, टैप इन टू द न्यू एनर्जी आपके अराउंड जो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जिनमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं जिनमें आप बिलीव करते हैं, वो आपके अराउंड हैं, आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को फ्री कीजिए, बी इन दैट एम्परर जोन जैसे आप हुआ करते थे, ठीक है, बी इन दैट जोन, एंड इट्स अबाउट बींग केयर फ्री। थोड़ा सा आपको केयर फ्री होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने तरफ झुकाव की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि येस यू कैन अचीव दिस, लेकिन जो एनर्जी आपके राउंड फ्लो कर रही है आप उसमें टैप इन नहीं कर रहे, आप उसको रिसीव नहीं कर रहे, तो आपके लिए यही गाइडेंस है, ठीक है। एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, चेंज कीजिए।
सो दैट्स ऑल वी हैव. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय. अपना ख्याल रखिए.